अच्छा जी, आपको एक अनमोल चीज़ दिखाते हैं, एक और कट्टा। इसकी एक बड़ी लंबी स्टोरी भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह अभी आपसे शेयर करूँगा। ज़रा पहले आप कट्टा देख लो, ये देखें, अल्बिनो कट्टा, मतलब अबलग कट्टा कह लो आप इसे। ये देखें क्या बात है माशाल्लाह से। अभी धूप का भी इसको वो अक्स पड़ रहा है तो बहुत ज़्यादा चमक रहा है। नोज इसका बिल्कुल पिंक। चलाओ चाचा थोड़ा, क्या बात है। अच्छा, कट्टों का मैं शौकीन नहीं हूँ, बल्कि हम कोई भी शौकीन नहीं है, लेकिन इस तरह की चीज़ें, जैसे हमारे पास पहले एक अनमोल खड़ा हुआ है, और इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा ना अच्छी लगती हैं। क्या बात है, क्या। और इसकी जो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ लगती है, उसके सींग, क्योंकि पहले वाला जो हमारा कट्टा है ना, उसके सींग नहीं है, और इसके फुल राउंड शेप में जो है वो सींग है। मार ये ना दे सजी, एक तो इनसे डर भी बड़ा लगता है, बड़ी अग्रेसिव चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, बड़ा शैतान है, इसको बड़ा काबू हमने किया हुआ था दो दिन दिन से। बदो चाचा जी, बदो, क्योंकि चाचा जी अपना काम कर रहे हैं। ये सारी बाहर की सफाई अभी आप देखो सारी हुई भी है, तो सारे जानवर अभी बाहर आ जाएंगे, तो फिर ये जो अंदर खड़े हुए ना, अंदर की सफाई होगी, ताकि सुबह जो है वापस अंदर बांध दें। अच्छा, ये जो कट्टा है हमने एक भाई हैं उनके लिए ख़रीदा था हफ्ते वाले दिन, ठीक है, हफ्ते वाले दिन से ये ख़रीदा हुआ है। करो करो अपना काम करो, पानी शानी 5 मिनट रुको ना, ज़रा धूप का शेडो पड़ रहा है बड़ा गंदा यहाँ। फिर जी ए मरेसी, हाँ ए मरे ने थोड़ा थोड़ा पता है मेरे चाचा को मारे कितना मारे पहले ने मार मारा ही। ये भाई, ये भाई साहब उस वक्त भी मार रहे थे, लेकिन बबलू जो है, बबलू को नथ मारनी पोसी। जरा अपने काबू करो ना अपने इन्ना कुएं में ही, बगैर नाथ थे। हाँ बबलू। अच्छा, सीन ये था कि इस कट्टे का ही हमने ख़रीदा था हफ्ते वाले दिन ये कट्टा, और ये हमने भेजना था कराची। और जैसा कि आपको पता है कि अभी सैलाब वलाब के सीन्स बहुत बुरे हुए हैं, बहुत बुरे चल रहे हैं, बल्कि मैं कैमरा अपनी तरफ ना कर लूँ आज। तो सीन ये हुआ कि ये जो कट्टा है ना, करीना मार दे, नहीं जा सका। हफ्ते को भी हमने ट्राई की, फुल ट्राई की कि किसी तरह कराची चला जाए, लेकिन नहीं गया, हफ्ते को नहीं गया। इतवार को हमने फिर इसको कोशिश किया, एक बंदा है मेरा जो जानवर भेजता रहता है, ट्रॉले वगैरह लगाता है, तो उसके ज़रिए मैंने कोशिश की कि ये जानवर किसी तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि एक जाएगा तो फिर जो मेरे पास जो परचेजिंग हो गए यहाँ खड़े हुए हैं, फिर मैं उनकी सेटिंग बनाऊँगा कि उनको कैसे निकालना है, लेकिन ये नहीं गया। इतवार वाले दिन उसने हमें कहा कि हाँ चला जाएगा, लेकिन इतवार वाले दिन नहीं गया। मंडे वाले दिन हमें पता चला जी जानवर नहीं गया, मुल्तान में ही खड़ा है। फिर मम्मी ने उससे पूछा कि क्यों नहीं गया, तो ये जो हलानी वाली साइड है उससे आगे कोई 150 किलोमीटर के करीब, बकौल उसके, मुझे नहीं पता, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन सलाह वगैरह का तो पता ही है सबको। तो हुआ ये कि 150 किलोमीटर के करीब जो है ना वो पानी खड़ा हुआ है, गाड़ियाँ आगे नहीं जा रही। जो कराची के लिए कुछ माल निकला, कट्टू का निकला या जो भी निकला, 2-3 गाड़ियाँ निकली थी, ज़्यादा नहीं निकली, 2-3 गाड़ियाँ निकली थी कराची के लिए इतवार वाले दिन मंडी से, तो वो भी मंडे वाले दिन, हफ्ते वाले दिन निकली थी, मंडे वाले दिन भी वो हलानी के पास फंसी हुई थी गाड़ियाँ। हालांकि ये होता है 24 घंटे में कराची माल पहुँच जाता है, लेकिन नहीं जा सका, जिसकी वजह से ये हुआ कि 1 गाड़ी में 7 जानवर, 1 गाड़ी में 13 जानवर एक्सपायर हो गए। उससे पहले मैं उस बंदे से लड़ रहा था कि भैया आपने हमारा कट्टा क्यों नहीं भेजा, हमारी कमिटमेंट थी कि आपको ये मंडे को मिल जाएगा। तो जब उसने मुझे ये बात की, तो फिर मैं थोड़ा सा ठंडा हुआ कि नहीं यार, ये वाकई एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो फिलहाल नहीं भेजना चाहिए। तो मैंने उसे फ़ौरन कॉल करके कही यार, हालांकि मंडे को गाड़ी निकल रही थी, उसने कहा मैं अभी भेज रहा हूँ, मैंने उसे फ़ौरन कॉल करके मना कर दिया कि भाई कट्टा नहीं भेजना, मैं या मेरा बंदा आ रहा है, कट्टे को वापस आप हमें हमारे फार्म पर भेज दो। हालांकि ये हमारे फार्म पर आना नहीं था, ये सीधा कराची जाना था, लेकिन करंट सिचुएशन जो है वो आप लोगों को पता है कि क्या चल रही है, तो जिसकी वजह से अभी मेरे पास कुछ 4-5 जानवर ऐसे हुए खड़े हैं जो मुझे भेजने हैं कराची, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि यार बेजुबान जानवर है, रिस्क हम नहीं लेना चाहते किसी भी चीज़ पे।
चाहे इसको भेजें, अब रास्ते में गाड़ियां ख़त्म हो ख़राब हो जाएं पानी की वजह से, आगे ना जा सकें, ना इनको चारा मिलेगा, गाड़ी वाले तो नहीं देंगे ना, ना इनको पानी मिलेगी प्रॉपर तरीके से, तो जानवर टूटेगा भी सही और मोस्ट प्रोबेबली चांस जैसे एक्सपायर हुए 2-3 दिन अगर उनको खुराक नहीं मिलती तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि ये एक्सपायर हो जाए। तो भाई थोड़ा सा वेट कर लें, इससे अच्छा है कि जानवर को किसी मुश्किल में फंसाएं, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा सा वेट कर लें। तो इस वजह से ये कट्टा वापस आया, 3-4 हज़ार रुपये एक्सपेंस हमारा एक्स्ट्रा लग गया, कोई मसला नहीं, जानवर की हिफाजत हमारे लिए ज़रूरी है बनिस्बतन हमारे पैसों से, 5-6 हज़ार रुपया तकरीबन लगने वाला था इसकी ऊपर भेजने का, कराची भेजने का, लेकिन एक्स्ट्रा लग गए क्योंकि वहाँ से फिर उन्होंने खुराक डाली, 2-3 दिन खुराक वगैरह डाल के फिर ये कटा वापस हमारे पास आया। इसकी वीडियो भी हमने बनाई थी जब इसको हम भेज रहे थे, तो इसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, वो भी अभी फिर ड्राफ्ट में ही पड़ी है, पब्लिश नहीं की क्योंकि ये कट्टा अभी नहीं गया, तो जब जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली वही अपलोड कर दें, या यहाँ से जब हम लोड करें फार्म से तो तब भी लेकर जाएं। तो ये थोड़ी सी बातें थी जो आपको बतानी थी, और कट्टा मेन चीज़ थी आपको कट्टा दिखाना, शौक वाली चीज़ें यार, बहुत कम शौकीन होते हैं इनके, लेकिन ऐसी चीज़ें बड़े ही दिल को लगती हैं। मैं वैसे कट्टों का शौकीन नहीं हूँ, जैसे ये हमारे पास आया हुआ और एक अनमोल अंदर खड़ा हुआ है अभी, वो ये चीज़ें बड़ी मज़ेदार लगती हैं यार, देखने में बहुत मज़ा आता है, अलग अलग चीज़ें लगती हैं, और उसकी जो सींगों की शेप है ना, क्या बात है भाई, ये देखें क्या बात है, मारी ना भाई, ये देखें फुल राउंड इसके सींग है, VVIP सा कट्टा है। तो ये आपको छोटी सी अपडेट देनी थी, बाकी हमारा बबलू इधर खड़ा हुआ है, और ये भी अग्रेसिव नहीं है, थोड़ा सा शरारते करता है, इसका वो नथ नहीं है ना, नकेल नहीं है नाक में, तो थोड़ा सा ज़ोर मारता है एक्स्ट्रा, फिर नाक में अगर रस्सा हो तो फिर ये नहीं भाग सकते, इस तरह ये थोड़ा सा ज़ोर मार लेते हैं, खींच लेते हैं, तो चाचे को भी चोट भी लगी हुई थी, खैर कोई बात नहीं, ऐसे कामों में फिर ऐसा होता रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सही हो गए हैं, अल्लाह पाक सबको हिफाजत में रखें। और मुझे काफ़ी लोग हैं जो हैं वो कह रहे हैं कि यार कुछ जानवर आपके पास ऐसे हैं जो अभी ना दिखाया करो वीडियो में, क्योंकि वो फिर जब तैयारी करवाओगे तो फिर दिखाइएगा, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो लोग कहते हैं कि ना दिखा, जैसे हमारा ये डायमंड आया था, इसको भी मना करते हैं कि लोग आप ना दिखाया करो, 2-4 जानवर ऐसे हैं जो मना करते हैं कि यार हाँ ये चीज़ें वीडियो में आप ना दिखाएं, जब हाँ 3-4 महीने बाद जब इनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी फिर आप देखना, ज़रा लोगों को भी देखने का मज़ा आएगा। तो आप बताओ आप लोग क्या कहते हो, ऐसा करना चाहिए या मुझे वीडियो में दिखाना चाहिए, ठीक है। बाकी थोड़ा सा अपडेट आपको फार्म की भी दे देता हूँ, जानवर अंदर खड़े हैं, बल्कि ये वाला पोर्शन जो है ना मैंने यहाँ से हट जाना है, ये वाला बच्चा भी कराची जाना है, इसको भी खुलवा के ना वीडियो बनवाते हैं। ये सारे जो है ना अभी हमारे पास हैं, तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, साइलेज मंगवाने के चक्करों में हूँ, साइलेज मुझे कोई अच्छा साइलेज नहीं मिल रहा, कोई अगर बंदा है जिसके पास अच्छा साइलेज और मुनासिब कीमतों पे है तो ज़रूर भाई हमें बताएं, मैं इंटरेस्टेड हूँ ख़रीदने में, क्योंकि सैलाब वगैरह आ गए हैं तो इस वजह से काफ़ी फसलें, बहुत सारी फसलें तबाह हुई हैं, बहुत सारी, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो रुक गई हैं, और काफ़ी एक्सपेंसिव भी चीज़ें होती जा रही हैं इस वजह से। खैर ये अल्लाह पाक की तरफ से है या हमारी कोताही है, जो भी बोलें, हो जाएगा एक टाइम पे आके सही, ये सही है, बेचिचड़ बिचड़ सारी खा जाती हैं, ये सही फिर रही हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जानवर चेक करें। तो फिलहाल ये छोटी सी अपडेट देनी थी, मेन था आपको बताना कराची माल क्यों नहीं जा रहा, तो जो रीज़न है कराची नहीं जाने का, नहीं भेजने का, मेरे पास जमा होता जा रहा है माल, लेकिन मैंने रखना नहीं है ये माल, मैंने भेजना ही है हर हाल में, मेरे पास क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और यहाँ पे क्यों नहीं रुकेगा, ये रीज़न है कि भाई मैंने भेजने कराची हैं, क्योंकि ये कट्टा कराची से मंडी से निकल जाता, लेकिन अभी सिचुएशंस ऐसी सी हैं कि नहीं जा सकता। वो बछड़ा जो अबला खड़ा हुआ अंदर बड़े वाला, वो भी कब का कराची निकल चुका होता, लेकिन यही रीज़न कि भाई जानवर नहीं जा रहे, इस वजह से रुके हैं। तो जैसे हालात सही होंगे, रास्ते खुलेंगे, इनको पहली फुर्सत में हम निकालेंगे, ताकि हमने जो माल ख़रीदना है, जो हमें प्लाई पे आने हैं, जो भी हमारे साथ कमिटमेंट कर चुके हैं या हम जिनके साथ कर चुके हैं, हम उस माल को लेकर आगे चलें। तो फिलहाल ये थी एक छोटी सी अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी,
लाइक और कमेंट यार ज़रूर किया करें, ताकि हमें पता चले कि हाँ यार आप लोग कितना वीडियो को एंजॉय करते हो, नहीं करते हो, कोई बात अगर आपको बोरी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम उस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करें, या कोई सजेशन हो हमारे लिए तो वो हमें ज़रूर बताया करें, ताकि हम उस चीज़ को पूरा करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।